फिरोजाबाद के थाना टूला क्षेत्र में बीते एक सप्ताह पूर्व में बैंक कर्मी से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नकदी और असलाह भी बरामद हुए हैं। पुलिस हिरासत में खड़े सुग्रीव निवासी हाथरस जिला और गुड्डू मथुरा जिले का ही रहने वाला है। थाना टूला पुलिस और सर्विलांस टीम ने मोहम्मदपुर की पुलिया के पास से इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आरोपियों ने बैंक कर्मी विजय सोलंकी से हथियारों के दम पर 1,07,000 रुपए और एक टैबलेट फोन लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस आरोपियों के कब्जे से 52,200 की नकदी और दो देसी तमंचा और दो एक्टिवा बरामद की है। पुलिस की माने तो लूट की घटना में 3 लोग शामिल थे, एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को सुसग धाराओं में जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेश कुमार शर्मा, अभी न्यूज चैनल के लिए। ये दुकान 6 को शाम को 3:30 बजे टुडला टोल से पहले बाएं यहाँ सड़क पे ये बंधन बैंक में अपना पैसा वैसा वसूलते हैं कर्मचारी हैं। तो ये हमेशा लाते थे, बुधवार को लाते थे। इन लोगों ने रैकी करके सड़क से बगल में एक आदमी वहीं बैठा रहा डिवाइडर पे, एक आदमी अपना मोटरसाइकिल से गया आड़ा करके कट्टा लगा के छीन लिए। हम लोग मौके पर गए थे, हमारी टीम जो लगी रही यहाँ पे स्पेशली एसपी सिटी ने इसको मॉनिटर किया केस को, और सर्विलांस के हमारे लोग लगे रहे। तो गाड़ी दोनों बरामद हो गई और 52,000 रुपये बरामद हो गए। एक बिल्डिंग अभी जो है बाकी है इसमें, वो भी दीपक वो भी आ जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि 6 तारीख घटना हुई है और 100% इनका टैप भी बरामद हुआ, वही टैप पैसे बरामद हुए। पैसे तो मैनेज भी हो सकते हैं, किसी के हो सकते हैं, बट हमें संतुष्टि इस बात की है कि वही टैब इनसे बरामद हुआ, वही गाड़ी। और ये आपके संवादी हैं साथ में खड़े, इन्होंने पहचाना भी है इसको, बहुत सही मुझे वर्कआउट हुए हैं। और इस टीम को मेरे बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, इसी तरह से कार्य कर। बुधवार को हम कलेक्शन करके ला रहे थे अपना, तो चंडगा से जैसे ही निकले थे करीब 500 मीटर दूरी चले होंगे, तो रास्ते में एक भैया डिवाइडर पर बैठे थे और एक बगल में रोड की साइड में अपनी गाड़ी खड़ी करने कर उस गाड़ी के पास में खड़े थे। आगे से एक भैया स्कूटी लेकर आ रहे थे, तो जैसे हम दो बंदों के पास में पहुंची हमारी गाड़ी, वैसे और जो स्कूटी वाले भैया थे उन्होंने लाकर हमारी गाड़ी के सामने अपना स्कूटी आड़ा लगा दिया, हमें गाड़ी रोकना पड़ा। जैसे हमने गाड़ी रोका तो जो भैया डिवाइडर पर बैठे थे उन्होंने तमंचा निकाल के हमारे सामने इस तरीके से कर दिया और बोले अपना बैग दे जल्दी से। हमने अपने हाथ इस तरीके से किए, मैंने कहा भैया ले लो, उन्होंने बैग उतार लिया इस तरीके से और हमारी गाड़ी की चाबी लेकर, हमारी गाड़ी गिर गई थी, हमारी गाड़ी ऑफ करके चाबी लेकर और तीनों जने वो गाड़ियों से फरार हो गए। 1,07,000 के करीब थे जो बदमाश पकड़े गए। क्या तुम जी बिल्कुल संतुष्ट हैं? वही हैं, पहचान लिया हमने वो अच्छी तरह। और जिन्होंने पुलिस के लिए हम अपने दिल से धन्यवाद बोलते हैं कि इतना बड़ा मामला और इतनी जल्दी समेट दिया उन्होंने, हम संतुष्ट हैं पूरी तरह से। जब ये बुधवार को हुआ था और आज मंडे है, मंडे को मामला सॉल्व हो गया। मस्त बनारसी पान, जी हाँ, मुंबई स्टाइल के पान खाने का मजा अब मथुरा में भी मौजूद, जहाँ आपको मिलेंगे सैकड़ों स्वादिष्ट वैरायटी के पान। हमारा वादा है ऐसा पान का स्वाद जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप खाएंगे संग में औरों को भी खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से कहेंगे वाह। मस्त बनारसी पान, मस्त बनारसी पान, कृष्णा नगर मथुरा।